नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको प्रत्येक विषय की क्लासेस डेली दी जा रही हैं, हर एक क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभिषेक सर और रोमेश सर के द्वारा आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं, और यह मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं, यदि आपने प्रत्येक विषय की पूरी प्लेलिस्ट देख ली, आपका एक नंबर कम नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नई वीडियोज़ बनाने के लिए, आपके बीच बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। साथियों, अपने कॉलेज, अपने संस्थान, अपने हर एक साथी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करेगा। तो साथियों, आज आप अंग्रेजी की क्लास में अभिषेक सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, DLED 4th सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में अभी तक आपने 9 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने टीचिंग मेथड से लगा के स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, उसके बाद ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन मैंने टॉपिक करा दिए हैं। आज इस कड़ी में मैं आपको टेंस टॉपिक, जो है आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है, उससे उसको पढ़ाऊँगा। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन टेंस आपके में दे रखे हैं, तीन ही होते हैं और तीनों को पढ़ाना है अच्छे से। तो उस कड़ी में आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा, जितने भी इसके प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, जितने भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के प्रेजेंट के जितने भी हैं आपके, उतने मैं सारे करवाऊंगा सिंपल प्रेजेंट से लगा के। तो आशा करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और अपनी एक अच्छी तैयारी करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करेंगे और कमेंट में भी बताएंगे कि कैसा लगा, और अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले द टेंस एंड इट्स फॉर्म्स, ये जो है वाक्य का सबसे आवश्यक अंग वर्ब होता है। क्या होता है? वाक्य का जो सबसे आवश्यक अंग होता है वर्ब होता है, ठीक है। इसके बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध करता है। वर्ब जो है किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है, ठीक है। जैसे राम जाता है, तो इसमें जाता है जो वो क्या है, वर्ब है। राम गोज, गोज क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इसमें कार्य का होना या कार्य को कराने का बोध हो रहा है कि नहीं, जानना क्या हुआ, एक कार्य करा रहा है कि राम जा रहा है भाई, तो ये किसी कार्य के या करने का बोध कराता है। वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है, समय का मतलब क्या हुआ, वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है, जैसे राम कार्य कर रहा है, मतलब कि वो अभी कर रहा है, प्रेजेंट में ही कर रहा है। राम कार्य करेगा, तो ये फ्यूचर में कर रहा है, तो इसमें समय का बोध हो रहा है कि नहीं। वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है, या ऐसे कह लें राम कार्य कर चुका था, तो चुका था ना, मतलब कि ये पास्ट में हो गया, कार्य कर चुका है पहले से, तो समय का बोध हो रहा है, तो वही बोला गया है। वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप टेंस किसे कहते हैं। टेंस के प्रकार तथा रूपों का वर्णन, ये तो ठीक है। आप देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो हैं तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और प्रत्येक, ये तो हमारे टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो हैं टेंस हैं, और इन प्रत्येक के जो होते हैं चार रूप होते हैं। कितने? चार रूप होते हैं। एक होता है सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, दूसरा होता है परफेक्ट, तीसरा होता है पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। चार होते हैं, ठीक है, चार होते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट, अब ये देखें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो इस प्रकार लगेंगी। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आई राइट, कुछ नहीं लगता, इसमें एस या ई एस लगता है, जो सिंगुलर होता है उसके साथ एस या ई एस लगता है, और जो प्लूरल होता है उसमें कुछ नहीं लगता है, ठीक है।
और कॉन्टिन्यूस इज उसमें क्या लगता है, इज एम आर, इज एम आर लगता है, कॉन्टिन्यूस मतलब रहा है रही है जिसमें आता है उसमें इज एम आर लगता है, ठीक है। और जैसे और जो परफेक्ट में हो, परफेक्ट में मतलब हम तो अभी सिंपल बता रहे हैं आपको, एक एक डिस्कस भी किया जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। परफेक्ट में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, या कर चुका है। प्रेजेंट में देखें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिसके अंत में आए तो वो परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्या लगता है, हैज़ हैव लगता है, क्या लगता है, हैज़ हैव, हैज़ हैव ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये किस में लगता है, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव लगता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, इसमें भी सिंस निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर लगता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आप केवल देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऐसे प्रेजेंट ऐसे ही पास्ट का भी सेम है, आई रोट में सेकंड फॉर्म लग देती है, आई वाज राइटिंग, आई हैड रिटन, आई हैड बीन रिटन राइटिंग फॉर टू आवर्स, टू आवर्स आ गया ना, टू आवर्स एक क्या है, अनिश्चित समय है, तो इसके साथ जो है फॉर लग गया। ये हम एक एक डिस्कस करेंगे, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप अभी, बाकी पूरा एक एक पूरा डिस्कस होगा सिंपल से। अब देखते हैं आज की, आज का जो मेन टॉपिक है वहीं से स्टार्ट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है, काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते, तो हूँ, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्या पाया जाता है, ता है, ती है, ते हूँ, ये सब पाया जाता है। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, लास्ट में क्या आया, ता हूँ आया, ठीक, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, हम जान जाएंगे सिंपल प्रेजेंट है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, सीता एक मधुर गीत गाती है, ती है आया ना, ती है, ता है, ती है, ती हैं, ते हैं, जिसके अंत में आए वो क्या हो जाता है, वो एक वो सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है, ठीक। ऐसे ही सब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन, सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब इसके नियम देखते हैं कि कैसे नियम बनते हैं। रूल वन, रूल वन जो है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में कर्ता के साथ एस या ई एस लगता है। सिंगुलर, ये क्या लिखा है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। सिंगुलर नंबर जो मतलब सिंगुलर चीज़ें हों उसमें से, जैसे एक वचन चीज़ें जो होती हैं, जैसे हो गया सिंगुलर, सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, जैसे कुछ भी हो, जैसे वह, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, इसमें लगी है, ये ही जो है थर्ड पर्सन में आता है, ही सी ये सब जो हैं ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ही सी दे वगैरह, सिंगुलर ही सी दे ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। इसमें जो होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब कि वो एक ही हो, दे जो होता है प्लूरल नंबर में आ जाता है तो उसके साथ नहीं लगाएंगे, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। सो सिंगुलर नंबर कौन है, वह स्कूल जाता है, जैसे वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, तो इसमें सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ आता है। आई वगैरह ये फर्स्ट में आते हैं, यू यो और ये सेकंड में आते हैं, ठीक है, तो इनके साथ नहीं लगाते हैं हम। प्लूरल नंबर, ये देखिए रूल नंबर टू देखते हैं, प्लूरल, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब में प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस या एस नहीं लगते हैं, जो मैंने बताया आपको चार और छः में, देखिए हम खाली, हम खाकी खेल खेलते हैं, वी प्ले हॉकी, इसमें एस या एस नहीं लगा ना, वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न दियर लेसन, तो इसमें देखिए इसमें जो प्लूरल नंबर था वे और हम, ये प्लूरल में आ जाते हैं ना, थर्ड पर्सन है तो क्या हुआ, लेकिन प्लूरल, प्लूरल तो हैं तो इसमें एस या एस नहीं लगता है। आई एंड यू के साथ रूल नंबर थ्री एस या एस नहीं आता, आई और यू जो है सिंगुलर नंबर हैं लेकिन इनके साथ एस या एस नहीं लगता है, माई, आई लर्न माई लेसन, यू राइट ए लेटर, ठीक है। रूल नंबर चार में क्या बोला है, हिंदी के वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते हैं के साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ई जे एम आर का प्रयोग नहीं होता। इसमें जो है जिसमें अगर ता है, ती है आता है तो उसमें ई जे एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
पुराना नाम क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते थे इसको। वर्ब की मेन फॉर्म में बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल में होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस आई एस जोड़ना पड़ता है। तो वर्ब के फर्स्ट मेन फॉर्म जो बेस फॉर्म है उसमें एस आई एस जोड़ते हैं, जैसे रन होता है उसका रन्स हो जाता है, गो से गोज। ठीक है, चलते हैं। अब जो इसके हैं निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में इसके नियम देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं, जो मतलब थर्ड पर्सन है उसके साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का, किसका, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट। जैसे देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखता है, इसमें नहीं जो है निगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा सिंगुलर प्रयोग में। ठीक है, बहुवचन नाउन, अगर बहुवचन हो आई यू वी दे वगैरह हो तो उसके साथ क्या करते हैं, हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, किसका, डू नॉट का। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता, इसमें मैं आ गया तो इसमें क्या लगेगा, आई डू नॉट। तो मतलब हमको समझ में आ गया, बहुवचन के साथ डू नॉट लगता है और एक वचन के साथ जो है डज नॉट लगता है। तो ये आपके दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। अगर वाक्य में कभी नहीं है, अगर वाक्य में क्या हो, कभी नहीं, तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं होता है, कभी नहीं, ये देखिए है आपके वाक्य में कभी नहीं है तो इसमें क्या लगेगा, ही नेवर टेल्स अ लाई, तो इसमें नेवर तो लगा दिया, नेवर का मतलब ही कभी नहीं होता है, तो अगर हम नेवर लगा देंगे तो उसमें डू या डज नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, इसमें देखिए क्या आगे आ गया, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, सब एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछे वो क्या कहलाते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब भाई इनका कोई नियम होगा ना कि कैसे करते हैं इनको सॉल्व, तो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में रूल नंबर वन देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में ही सी इट और एक वचन के नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले आ जाता है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, जिसमें क्या लगा के पूछा जाता है उसमें जो है सबसे पहले डज आ जाता है, और वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं एस या एस नहीं लगाते। जब डज लग गया तो हम एस या एस जो है नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक, तो इसमें देखिए कर्ता जो वर्ब है उसमें हम नहीं लगाए, क्या नहीं लगाए, एस या एस नहीं लगाते। और दूसरा देखिए, क्या मैं तुम्हें कलम देता हूँ, मैं के साथ भाई डू लगता है तो डू पहले आ गया, डू आई गिव यू अ पेन, क्या मैं तुम्हें एक कलम पढ़ देता हूँ, ठीक है, तो इसमें डू आ गया। ऐसे क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, डज योर मदर लव यू, तो डज जो है पहले आ गया। ठीक, आप देखते हैं दूसरा नियम कहते हैं, आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ डू फिर कर्ता, ये तो हमने बता दिया आपको। रूल नंबर तीन, अगर वाक्यों के बीच में कब क्यों, जब मतलब बीच में पूछा जाए तो फिर डू या डज जो है कर्ता और फिर वर्ब क्या बेस फॉर्म आती है, तो सबसे पहले क्या आ गया, जैसे अगर प्रश्न बीच में पूछा जाता है, जैसे वह स्कूल कब जाता है, तो इसमें जो कब है इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, कब जो है इसका सबसे पहले लिखते हैं व्हेन, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है डज हो गया, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ठीक, अगर और देखिए हाउ मच कितने में, अगर ये आ जाए अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर फोर, हाउ मच कितने हाउ मैनी कौन सा के साथ उनसे संबंधित नाउंस भी आते हैं, पांचों के साथ में देखते हैं। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो उसके संबंधित जो है नाउन आ गया, विच बुक डू यू वांट। ठीक है, विच बुक, और जैसे वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स, तो पेंसिल इसके साथ जो रिलेटेड नाउन था वो भी आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे आपको। अब अगला नियम देखते हैं, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लगाते हैं।
जैसे वो के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव में वाक्यों में नहीं होती है। अब देख लेते हैं रूल नंबर, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो वो आ गया, वो कम्स टू योर हाउस डेली। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता कार्य कर ही कर्ता का कार्य कर रहा है, कोई प्रश्नवाचक शब्द है वही कर्ता का कार्य कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो उसकी तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लगाते हैं। जैसे तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, ठीक है, प्रतिदिन कौन आता है, तो वो कम्स टू योर हाउस डेली, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही कौन ही इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंसेस इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी कहलाते हैं, केवल कर्ता के पश्चात नॉट लगा देते हैं। बस इसमें क्या है, अगर कोई इंट्रागेटिव है और उसके जो है वो निगेटिव भी है तो उसके बाद में नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। बस जैसे क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, डज सी नॉट राइट अ लेटर, डज तो सबसे पहले आएगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ठीक। जैसे दूध कौन पसंद नहीं करता है, वो डज नॉट लाइक मिल्क, तो इसमें डज नॉट लग गया, ठीक है। वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जो इंटरगेटिव सब्जेक्ट है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। अब चलिए अपना सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है, मतलब हो चुका होता है, क्या होता है, हो चुका होता है। ता था इसके अंत में क्या होता है, ता थे ते थे ती थी, ये सब आता है इसके वाक्यों के अंत में। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, भाई कलम दिया ना, दे चुका है, तो ये पास्ट टेंस में होगा कि नहीं, ठीक। इसके नियम देख लेते हैं, रूल नंबर वन, था थी थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े हों तो वाज अथवा वर्ब का प्रयोग नहीं करते। आपको पता है वाज का प्रयोग था होता है, लेकिन आपका प्रयोग इसमें वाज वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा नियम देखें, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म होती है, इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे गिव की सेकंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है, लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड होती है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, लर्न की लर्नड, राइट का रोट, ठीक है, मेक का मेड, तो ये सब में देखिए आप सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है इसमें, ठीक है, तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। रूल नंबर थ्री, सब्जेक्ट के भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों वचनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में जो है सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे सी रोट अ लेटर्स एक वचन है, इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, वी लर्नड आवर लेसन इसमें बहुवचन है, इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब भाई देखते हैं इसका ये जो निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें जो है डिड नॉट आ जाता है सेकंड फॉर्म, जो अगर जिस भूतकाल का है पास्ट टेंस का है तो उसमें डिड नॉट का यूज हो जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। निगेटिव सेंटेंसेस में दोनों वचनों के कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम होता है। अगर टाइम होता आपको तो बाकायदा लिख के बताते हैं, लेकिन आपके पेपर के लिए समय नहीं है इसलिए ऐसे बताना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे वह कल हॉकी नहीं खेला, इसमें क्या है, निगेटिव का फॉर्म आ गया ना, नहीं खेला, ऋणात्मक चीज़ें आ गई, तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, ठीक। वह कल रात लड़कों ने अपना पाठ याद कर लिया, द बॉयज डिड नॉट लर्न द लेसन, डिड नॉट आया उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आप समझ गए होंगे। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट, इसमें नहीं भाई डिड नॉट का प्रयोग नहीं लगेगा, जब कभी नहीं का अर्थ आ जाए तो हमने बताया कि डिड नॉट का फर्क नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस,
इसमें क्या होता है, अगर वाक्यों में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, अगर वाक्यों में क्या लगा हो, क्या तुम स्कूल गए, तो इसमें डिड का पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, डिड आई उसके पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। डिड आई उसके पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, तो सब में डिड आ गया, ठीक है। और सेम होता है प्रेजेंट टेंस की तरह, बस इसमें डिड लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आ गए प्रश्न पूछ लिए, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, वाई डिड यू नॉट रन विद मी, ठीक। तो वाई के बाद डिड आ गया, उसके बाद अगर निगेटिव है तो निगेटिव लगा दीजिए, डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट लगता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, वूज बुक डिड यू लर्न डिड यू रीड इन द क्लास रूम। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, वेयर, पहले तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद डिड, उसके बाद योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, गो यस्टरडे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी डब्ल्यू एच वर्ड्स और प्लस जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नियम होता है, ठीक है। ये पूरे नियम से आप देख सकते हैं। तो इंट्रागेटिव शब्द हो गया, ये सब नियम है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं, ये आपको पता होंगे, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या होता है भाई, इस प्रकार के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है, मतलब कि फ्यूचर में होगा। क्रिया के अंत में गा गी गे होता है, ठीक। जैसे मैं एक पत्र लिखूँगा, I shall write a letter, हम कल स्कूल जाएंगे, We shall go to tomorrow, तुम एक किताब पढ़ोगे, You will read a book, ठीक। उसके पिता कल दिल्ली में दिल्ली से आएंगे, his father will come from Delhi tomorrow, ठीक। वे लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल को मैच खेलेंगे, These boys will play a football match next Monday। तो इसका नियम क्या होता है, इसका नियम जो होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या सेल आएगा, विल एक वचन के साथ आएगा और जो सेल जो है बहुवचन के साथ आएगा, मतलब से प्लूरल के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस विल या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आएगा प्लस सब्जेक्ट, ये सिंपल है, ठीक है। अगर निगेटिव है तो विल नॉट सेल नॉट हो जाएगा, विल या सेल के बाद नॉट लग जाएगा। अगर इंट्रागेटिव है तो ये विल या जो विल या सेल है वो आगे आ जाएगा, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड्स मतलब वाट वगैरह जितने भी हैं तो वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। इंट्रागेटिव वाला मैं अलग से लिख दूंगा, आपको समझने में दिक्कत होगी। जैसे मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, तो इसमें देखिए इंट्रागेटिव का, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, तो इसमें आई आया सेल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो, सेल नॉट लग गया बस, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में विल या सेल के पश्चात नॉट लगा देते हैं, इस टेंस में कल के लिए टुमारो लगाते हैं, कल के लिए टुमारो का यूज होगा क्योंकि आने वाला कल है ना, यस्टरडे माने बीत चुका कल होता है। अब देखिए इंट्रागेटिव में क्या बताया, पहले क्या वह तुमको कल कुछ कल में देगा, विल ही गिव यू सम पेंस, तो इसमें देखिए विल या सेल आया, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट आया, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, ठीक। अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड्स हों जैसे क्या, सीता कौन सा गाना गाएगी, तो विच यानी डब्ल्यू एच वर्ड्स, उसके बाद सॉन्ग यानी सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल लगेगा, ठीक, विल ऑब्लिक सेल, विल या सेल लगेगा, और उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है सब। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा इंट्रागेटिव।
यही नियम में लिखा है आपके, पढ़ लीजिएगा आप। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक शब्द चिन्ह लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए बना सकते हैं वाक्य के अंत में ता है, ती है, था है, थी है। ये मैं पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके और भी क्वेश्चन सीरीज से भी कराए जाएंगे, तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आपके पास समय नहीं है तो आप तैयारी अपनी करते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। और ये वाली पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो भी साथी हमारा टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो कृपया करके जुड़ जाइए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर सारे जो मटेरियल है वो डाला जाता है, जो आपके परीक्षा के लिए या अन्य जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आप लोग जरूर जुड़ेंगे हमारे चैनल से। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।